अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिया मलिक। आज आपको एक बहुत ही गहरा दिल को सुकून के लिए, जो दिल के सुकून के लिए है, वो टोटका देने वाली हूँ। अच्छा, टोटका ये है, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, और टोटका ये है कि हसद ना खाएं, हसद जलसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो जेलसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जेलसी करती क्या है? एक तो जो इंसान हसद करता है वो अपने आप को ही नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा होता है, और जिसके लिए हसद करता है उसको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा था, क्योंकि वो मासूम हो जाता है, अल्लाह ताला उसको और मजीद कामयाबी देता है। अल्लाह हर इंसान उस इंसान को कामयाबी दे जो दिल का अच्छा, मन का अच्छा है। खैर, अब जो हसद खा रहा है उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ से आती है? क्योंकि वो अपनी रूह को नुकसान दे रहा है। जब वो अपनी रूह को, अपने मन को नुकसान दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए, क्योंकि उसकी सोच ही मनफी है, सोच ही नेगेटिव है, तो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव होगा, क्योंकि हम जो अल्लाह से मांगते हैं हमारे लिए वही होता है। तो हसद एक ऐसी बीमारी है, हसद एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान नेगेटिविटी की तरफ या मनफी की तरफ या नीचे की तरफ आता है, कभी भी ऊँचे की तरफ नहीं जाएगा। तो जो कामयाब इंसान है उसके लिए आप उसकी तारीफ करें, बल्कि उसके लिए अच्छा सोचें। एक और जो इंसान जिसको कामयाबी नहीं मिल रही है, उसको ये चाहिए कि वो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दे, कामयाबी उसके पास खुद आएगी। और जिसको अल्लाह ने जितना नवाजना है वो उतना नवाजेगा, लेकिन दूसरों की बुराई करके, हसद करके या उसकी तरक्की से जल कर कभी कुछ नहीं होगा। तो दूसरों से एक तो जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, हसद हरगिज़ ना करें। किसी के पास अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दी है, बड़ा घर दिया है, तो बल्कि उसके लिए और भी ज़्यादा उसके लिए अल्लाह से उसके लिए और मज़ीद दुआ करें कि अल्लाह इसके लिए भी बेहतर करे, और अल्लाह इसके तवज्जो से मेरे लिए भी बेहतर करे और बेहतर करे, तो अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। बल्कि आपको माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ने किसी को इतना दिया है तो माशाल्लाह, और वही आप अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजे और अच्छे और रिज़्क़ के हलाल से नवाजे। बाज़ लोग ये होता है कि किसी की गाड़ी से, किसी की स्पेशली आप जो है किसी की तरक्की से या किसी के काम से आप बड़ा हसद खा रहे होते हैं। हसद यही होता है कि देखकर इससे तो बेहतर मैं करूँगा, इससे तो बेहतर मैं कर सकती हूँ, बस इसका तो बस काम ठीक ही है, आप तो खामखाई तारीफें करें। ये भी हसद में शुमार हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और आप आगे से एकदम से, हाँ काम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये देखें इसके अंदर तो ये बुराई भी है, तो ये तो बुराई होगी ना जी। आप किसी की बुराई इस तरह से ना करें, हसद ना खाएं, किसी की कामयाबी पर आप खुश हों और अपने लिए भी आप कामयाबी के लिए दुआ करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।